डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में SST में हमने पढ़ा था कि जो है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द लोकसभा पढ़ा था, उसके बाद फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा पढ़ा था। ठीक है, इन दोनों की जो है शक्तियाँ, हम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन कि राज्यसभा की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो उसमें से हमने जुडिशियल पावर पढ़ा था, फंक्शंस एंड पावर्स, आप राज्यसभा। राज्यसभा की शक्तियां और कार्य, उसमें से हमने तीन शक्तियां पढ़ ली थी, चार शक्तियां पढ़ ली थी। जुडिशियल पावर पढ़ लिया था हमने, जुडिशियल पावर पढ़ लिया था, और इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार संघ जो है जो नॉन फाइनेंशियल बिल हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ पावर जो इक्वल होते हैं। फिर हमने फाइनेंशियल पावर पढ़ लिया था, फाइनेंशियल पावर भी हमने पढ़ लिया था कि इसमें राज्यसभा वीक होती है। ठीक है, अगर तुलना करें लोकसभा की तुलना में, इसमें लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि फाइनेंशियल बिल जो हैं, जो मनी बिल हैं, वो केवल लोकसभा में पेश होते हैं, राज्यसभा में नहीं होते हैं, और राज्यसभा को मात्र 14 दिन का रोके रखने का अधिकार है। इसलिए फाइनेंशियल मामलों में जो है वो राज्यसभा वीक होती है उसकी तुलना में, लोकसभा की तुलना में। फिर हमने तीसरा जो पढ़ा था, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में। ठीक है, तो अमेंडमेंट का जो है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हमने पढ़ा था इसके मामले में दोनों की पावर जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कोई भी एक सदन, एक हाउस जो है अकेला संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, प्रस्ताव दोनों मिलकर लाते हैं, दोनों ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है, और पास होने के लिए दोनों को सहमति होनी चाहिए। लोकसभा पास करे राज्यसभा मना कर दे तो भी नहीं होगा, राज्यसभा पास करे लोकसभा मना कर दे तो भी नहीं हो। तो इस मामले में जो है हम कह सकते हैं इक्वल पावर है। ठीक है, चौथा हमने पावर पढ़ा था एग्जीक्यूटिव पावर, इसको भी हमने पढ़ लिया था कि एग्जीक्यूटिव मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा की, हालांकि इसमें ज़्यादा शक्तिशाली लोकसभा ही है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा भी कुछ मामलों में इसके इक्वल है क्योंकि वो भी एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट यानी काम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कंट्रोल करती है, उसको क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, और उसकी जो है क्रिटिसाइज कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा कैन आस्क द क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, एंड द मिनिस्टर कैन आल्सो क्रिटिसाइज देम, उनकी आलोचना भी कर सकती है, लेकिन उनको हटा नहीं सकती। कौन से तरीके से, डिड नॉट रिमूव द मिनिस्टर बाय द पासिंग नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन। नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन से मंत्री, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को हटाने का अधिकार लोकसभा को है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर में अधिक जो है मजबूत स्थिति में कौन होगा, मजबूत स्थिति में लोकसभा होगी। फिर हम पांचवी पावर पढ़ रहे थे, वो थी आपके मिसकलेनेंस पावर, मिसकलेनेंस पावर, विविध शक्तियां, अन्य शक्तियों में जो है विविध शक्तियां आ गई। तो मिसकलेंस पावर में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा जो है कुछ मामलों में लोकसभा की जो हम कह सकते हैं इक्वल होती है, तो कुछ मामलों में लोकसभा जो है कमजोर स्थिति में होती है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन पावर द राज्यसभा हैज सेवरल अदर पावर आल्सो, राज्यसभा के पास कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं इनके अलावा, ठीक है, जिसको जो लोकसभा के साथ उनका प्रयोग वो करती है, विथ विच इज यूज जॉइंटली अलॉन्ग विथ द लोकसभा, जो लोकसभा के साथ मिलकर के करती है। दीज पावर्स द फंक्शन आर, तो कौन कौन सी मिसकलेंस पावर में आएगा, तो मिसकलेंस पावर में पहला जो पावर आता है वो है आपके इलेक्शन, तो इलेक्शन किस किस का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इलेक्शन में भी भाग लेते हैं। तो आपने पढ़ा है कि लोकसभा कौन से किसके इलेक्शन में भाग लेती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेती है और
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेती है, उसी तरह राज्यसभा भी प्रेसिडेंट किसके इलेक्शन में भाग लेती, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एंड वाइस प्रेसिडेंट। दोनों के इलेक्शन में भाग लेती है, ठीक है भाई। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के प्रेसिडेंट को चुनाव करती है भाई, किसको चुनती है चुनाव, लोकसभा राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर के प्रेसिडेंट को चुनती है, और लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर के किसको चुनती है, वाइस प्रेसिडेंट को भी चुनती है, ठीक है। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति को चुनती है और उपराष्ट्रपति को भी चुनती है, ठीक है। तो इलेक्शन एक तो मिसकलेंस पावर, पहला इलेक्शन, इलेक्शन करने में किस किस का इलेक्शन करती है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर के, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के प्रेसिडेंट को चुनती है और वाइस प्रेसिडेंट को चुनती है। ठीक है भाई, तो इलेक्शन किस किस के चुनाव में भाग लेती है, लोकसभा और राज्यसभा, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों का सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इस इलेक्शन में किसके क्या लिख सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, याद रखना है यहां पर एक लाइन आपको लिखनी जरूरी है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा कौन करते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कौन में कौन भाग लेता है, केवल इलेक्टेड मेंबर। मैंने कहा ना दो तरह के मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, एक इलेक्टेड मेंबर और एक नॉमिनेट मेंबर, लेकिन नॉमिनेट मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। दोनों में नॉमिनेट मेंबर होते हैं ना, लोकसभा में दो होते हैं एंग्लो इंडियन बोलते हैं उनको, राज्यसभा में 12 होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। तो वो 12 सदस्य और लोकसभा के दो सदस्य, तो वो भी भाग नहीं लेते और राज्यसभा के 12 भी भाग नहीं लेते, केवल जो नॉमिनेट जो इलेक्टेड मेंबर हैं 233 जो इलेक्टेड मेंबर है 233 केवल वही लोक्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, ये लाइन लिखनी जरूरी है, ठीक है। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज क्या लिखेंगे इसमें, राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, फिर बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसमें अंतर क्या है, इसमें सारे ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इसमें क्या आएंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इसमें नॉमिनेट भी हो जाते हैं, इलेक्टेड भी हो जाते हैं, ये डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ में आ गई कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो राज्यसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के ऑल मेंबर्स भाग लेते हैं, पर नॉमिनेट और इलेक्टेड दोनों मिलकर के और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जैसा ने मत लिखना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को चुनते हैं, इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर ही चुनाव भाग लेते हैं राज्यसभा के और प्रेसिडेंट के चुनाव में, और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में दोनों ही भाग लेते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेट। तो एक तो हो गई इलेक्शन की पावर, ठीक है। फिर यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं, ठीक है। फिर आती है आपके इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। तो आपने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या है, प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने का तरीका लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर गए और राष्ट्रपति पर, प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट ला सकती है,
और इम्पीचमेंट लाने का मतलब है कि इम्पीचमेंट अगर पास हो जाए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, और एक सुप्रीम कोर्ट के जजों, द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन दोनों को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट लाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है राज्यसभा की शक्ति क्या है दूसरी, कि राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट ला करके उसको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के दोनों में पास हो गया इम्पीचमेंट, तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो सेकंड पावर क्या हो गई मिस क्लेंस पावर में, इम्पीचमेंट। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली इम्पीच द प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा जॉइंटली क्या कर सकती है, इम्पीचमेंट ला सकती है, किस पर, प्रेसिडेंट पर। ठीक है, तो इम्पीचमेंट ध्यान रखना, इम्पीचमेंट केवल दो ही पर लाया जा सकता है, किस पर, एक तो प्रेसिडेंट पर और दूसरी बात जजेज। जजेज कौन से, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेज, इन दोनों तरह के जजेज पर जो है इम्पीचमेंट लाई जा सकती। तो इम्पीचमेंट से किस किस को हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट को हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, क्या बोलते हैं, महाभियोग। और महाभियोग से किसको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलकर के और इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी हटा सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड पावर है इम्पीचमेंट की। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली इम्पीच द प्रेसिडेंट, महाभियोग ला सकते हैं। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सम अदर ऑफिसर्स, और कुछ और पे भी ला सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, सारे सदस्य भाग लेते हैं। द इम्पीचमेंट मोशन इज रिगार्डेड टू बी पास्ड ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ मोशन। इम्पीचमेंट केवल कोई एक सदन नहीं लाएगा, इम्पीचमेंट किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर अगर इम्पीचमेंट लाना है तो दोनों में से बोथ हाउस ला सकता है, और बोथ हाउस में से वो पास होना जरूरी है। एक हाउस पास कर दे दूसरा मना कर दे तो इम्पीचमेंट लागू नहीं होगा, पास नहीं होगा, बोथ हाउस में लागू होना चाहिए। दोनों हाउस अगर कह दें राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, दोनों ही सदन ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, तब इम्पीचमेंट लागू होता है, महाभियोग लागू होता है। ठीक है, एक तो इम्पीचमेंट लाया किस किस पे जा सकता है, प्रेसिडेंट पे ला सकते हैं और जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर। हर एक स्टेट का एक हाईवे हाई कोर्ट होता है, और पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में है जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उनके जजेज को, उनके न्यायाधीशों को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। ठीक है, तो हम भी कह सकते हैं कि लोकसभा के साथ मिलकर के राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति पर और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर इम्पीचमेंट ला सकते हैं, अर्थात महाभियोग ला सकते हैं और उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड मिसक्लेंस पावर हो गई आपके इम्पीचमेंट की। थर्ड पावर हो गई आपके रिमूव वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति पर लाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो आपको ने पढ़ा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन एक्स ऑफिशियो सुप्रीमेंट होता है, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पद से जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसको हटाना है, तो हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन लाएगी, स्वाभाविक है राज्यसभा लाएगी। ठीक है, तो राज्यसभा यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रस्ताव है, जो इंट्रोड्यूस है, जो हम कह सकते हैं जो ऑफर है,
वो प्रस्ताव है वो केवल सबसे पहले राज्यसभा ही ला सकती है, ठीक है। फर्स्टली कौन लेकर के आ सकता है? फर्स्टली जो है वो केवल राज्यसभा ला सकती है, और पास दोनों बोथ हाउस में होना चाहिए। जब वो राज्यसभा में पास हो जाएगा तो फिर वो लोकसभा में जाएगा, और दोनों पास कर दे तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? प्रेसिडेंट को हटाने का, तो प्रेसिडेंट तो इम्पीचमेंट से हटता है, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव दोनों ही बोथ हाउस लेकर के आ सकते हैं और बोथ हाउस में वो पास होना चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, जो अगर वाइस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट से नहीं हटता, वाइस प्रेसिडेंट हटता है किससे? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं अपन मोशन थ्रू मेजोरिटी, ठीक है। तो मोशन, इसको जो है मोशन रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट फर्स्टली पास इन द राज्यसभा थ्रू मेजोरिटी, मेजोरिटी से हटा सकी जा सकती है। इसमें आपको इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है, मेजोरिटी से जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन उसको हटाने का जो प्रस्ताव है, ठीक है, वो प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेकर के आ सकता है? वो राज्यसभा ही लेकर के आ सकती है, लोकसभा नहीं। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेकर के आ सकता है? क्योंकि वो उसी का चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, इसलिए उसको हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा ही ला सकती है। और जब राज्यसभा पास हो जाए तो फिर वो लोकसभा में पास होना जरूरी है, यानी बोथ हाउस से पास होना चाहिए, लेकिन प्रस्ताव सबसे पहले जो है वो लोकसभा राज्यसभा इलाका लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम कह सकते हैं कि द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली पास ए मोशन थ्रू मेजोरिटी एंड रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा सकते हैं, हटा तो सकते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव पहले कौन लेकर के आएगा? पहले राज्यसभा लानी जरूरी है, लोकसभा नहीं ला सकती, ठीक है। द मोशन ऑफ रिमूविंग द वाइस, मोशन यानी प्रस्ताव, ये मोशन सबसे पहले कौन लाना चाहिए? ये सबसे पहले राज्यसभा लेकर के आ सकती है। द मोशन ऑफ रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट इज फर्स्टली पास्ड इन द राज्यसभा, इंपॉर्टेंट लाइन है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लिया जा सकता है। एंड आफ्टर द पास इन द राज्यसभा इट इज सेंट टू द लोकसभा, और जब राज्यसभा पास कर दे तो वो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा को, राज्य आपको कह सकते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेकर के आ सकती है? राज्यसभा लेकर के आ सकती है, ठीक है भाई। चौथा हम पढ़ सकते हैं, चौथी जो है मिसकेलेंस पावर में चौथी पावर जो आएगी, पास द इमरजेंसी, पास इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी देश में आपातकाल लागू करने का काम वैसे तो राष्ट्रपति के पास है, ये इमरजेंसी पावर में पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट की। तो जब देश में इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकता है, याद रखना है देश में इमरजेंसी का मतलब आपातकाल, सबसे पहले राष्ट्र कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट लगा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट इमरजेंसी पास तो कर दे, लेकिन वो अधिक से अधिक एक महीने तक रह सकता है, यानी एक माह के अंदर उसे लोकसभा और राज्यसभा के जो है सहमति लेनी होगी। अगर एक महीने में लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति को जो महाभियोग उसने लगाया है उसमें सहमति नहीं दे तो वो इमरजेंसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब एक महीने के, जब राष्ट्रपति देश में आपातकाल घोषित करता है, लागू करता है, तब एक माह के भीतर उसे लोकसभा और राज्यसभा से उस प्रस्ताव को पास करना जरूरी है। अगर नहीं करती है तो वो अपने आप ही खत्म माना जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको कह सकते हैं कि इफ इमरजेंसी हैज टू बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन वन मंथ, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति कितने टाइम तक अपने जो है इमरजेंसी को लगा सकता है बिना परमिशन के, लोकसभा राज्यसभा की परमिशन के? वन मंथ, एक महीने से ज्यादा।
अगर उसे एक महीने से ज़्यादा बढ़ाना है एमरजेंसी को, तो उसे बोथ हाउस की जो है परमिशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन शुड बी पास सेपरेटली बाय द बोथ ऑफ द रेस्ट हाउस। अगर राष्ट्रपति को एक महीने से ज़्यादा एमरजेंसी को बढ़ाना है देश में या राज्य में, तो उसे संसद की परमिशन की आवश्यकता होगी, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं द लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू स्पेशली मेजोरिटी। ठीक है, बोथ द रेस्पेक्टली हाउस द लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। तो इस तरह ये अदर जो है मिसकलेंस पावर हो गई, इलेक्शन पावर्स, इम्पीचमेंट की पावर्स, रिमूव वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो राज्यसभा के पास पहले है, और पास इमरजेंसी, इमरजेंसी पास कर दे लेकिन एक महीने से ज़्यादा रखना है तो लोकसभा राज्यसभा की परमिशन की जरूरत। तो ये चार तरह की मिसकलेंस पावर है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है, और लास्ट जो हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रीवियंस। ठीक है, स्पेशल प्रीवियंस का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति राज्यसभा के पास कुछ विशेष पावर्स होती है जो केवल लोक राज्यसभा के पास होती है, वो लोकसभा के पास नहीं होती है। ठीक है, इसको हम स्पेशल पावर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज कह सकते हो या स्पेशल पावर्स कह सकते हो, यानी वो शक्तियां जो केवल राज्यसभा के पास है लोकसभा के पास नहीं है। इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है लोकसभा की तुलना में, तो उसको स्पेशल पावर्स कह सकते हैं या स्पेशल प्रिविलेज कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अभी सारे मामलों में लगभग लोकसभा ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है। ठीक है, फाइनेंशियल मामले में है ही, जुडिशियल मामले में ही है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स के मामले में भी है, लेकिन इन पावर्स में केवल राज्यसभा ज़्यादा मजबूत है लोकसभा की तुलना में। ठीक है, तो फाइनली द राज्यसभा हैज टू सच पावर्स विच हैव नॉट प्रोवाइडेड इन द लोकसभा। ये दो शक्तियाँ ऐसी है, दो पावर्स ऐसी है जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं है। ठीक है, विच हैज प्रोवाइडेड ऑफ द लोकसभा एंड विच आर यूज बाय द राज्यसभा ओनली, इसका प्रयोग केवल राज्यसभा ही कर सकती है। ठीक है, दीज टाइप ऑफ पावर्स आर एसोसिएट विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड द राज्यसभा इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, इट एंजॉय द पावर्स। केवल राज्यसभा ही उसका प्रयोग कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती, इसलिए इसको स्पेशल पावर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पावर हैं, एक तो दो पावर्स हैं। देखिए, एक तो पावर्स आता है आपके आर्टिकल 249 संविधान का, अनुच्छेद 249, इसमें ये कहा गया है डिक्लेयर, इसको कह सकते हैं अपन पॉइंट के रूप में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि डिक्लेयर डिक्लेयर द स्टेट लिस्ट, टू सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट टू नेशनल इंपोर्टेंस। देखिए, इस चीज को समझिए कि राज्यसभा को हम कहते हैं राज्यों का सदन है, राज्य को विधानसभाएं उनको चुन करके भेजती है राज्यसभा सदस्यों को। ठीक है, तो राज्यसभा यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा के सदस्य, वैसे तो हमने पढ़ा है कि तीन लिस्टें बना दी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एक यूनियन लिस्ट संविधान जो राजसंघ सूची है, ठीक है, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, पढ़ी ना आपने। तो यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को है। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर पावर बन का जो है कार्य करने का अधिकार दोनों को ही है, अर्थात पार्लियामेंट भी बना सकती है प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है स्टेट की। तो स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार वास्तव में है किसको, केवल स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनको है। ठीक है,
तो राज्यसभा अगर चाहे आर्टिकल 249 के अनुसार अगर राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट का कोई भी विषय को कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है? संसद को, पार्लियामेंट को दे सकती है, ठीक है। यानी उसे नेशनल इंपोर्टेंस का घोषित करके, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे माना कि एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो राज्यसभा अगर चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट को, यानी किसी भी, हम कह सकते हैं पावर जो है स्टेट लिस्ट की, जो लिस्ट है उस पर जो लॉ बनाने की शक्ति है, उसको नेशनल इंपोर्टेंस का घोषित कर सकती है। और नेशनल इंपोर्टेंस का घोषित होने के बाद उस पर कानून कौन बनाएगी? देश की पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनाएगी, ठीक है। तो ये राज्यसभा के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में डाल सकती है, या यूनियन लिस्ट को जो है पार्लियामेंट को ये पावर दे सकती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर, ये पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए भाई, किसकी? राज्यसभा की, राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा चाहे थ्रू मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट द पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, द राज्यसभा कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट, राज्यसभा क्या कर सकती है? डिक्लेयर अ सब्जेक्ट, किसी भी विषय को प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट टू बी ए सब्जेक्ट टू द नेशनल इंपोर्टेंस, जो स्टेट लिस्ट में मौजूद है उस विषय को यूनियन लिस्ट का बना सकती है, अर्थात उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। है तो वो स्टेट लिस्ट का विषय, कानून बनाने का अधिकार उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को है, लेकिन राज्यसभा चाहे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, ठीक है। आफ्टर द राज्यसभा पासेस सच ए रेजोल्यूशन द पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉ ऑन द सच सब्जेक्ट, तो राज्यसभा की सहमति से चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय को वो जो क्या कर सकती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो एक तो ये हो गई इसकी स्पेशल पावर, और पर इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा की, ध्यान रखना। राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती। और एक पावर्स और स्पेशल पावर्स उसमें, तो एक तो आ गया आर्टिकल आपके 249, और दूसरा है आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312, ठीक है। इसमें चाहे तो इसमें आती है ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। इस आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा अगर चाहे तो, वैसे तीन ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, एक आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, एक आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और एक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ध्यान रखना। ये बड़े पदाधिकारी होते हैं जो पूरे देश पर, मैं सबसे बड़े पदाधिकारियों की गिनती होती है आईएएस आईपीएस, ठीक है, आईएफएस इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन सेवाएं होती है अखिल भारतीय सेवाएं। तो राज्यसभा चाहे तो किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, इसका मतलब तीन के अलावा अगर कोई नई सर्विस वो चाहे, राज्यसभा चाहे तो उसका गठन कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राज्य द ओनली द राज्यसभा हैज टू पावर टू प्रोवाइड द राइट ऑफ एस्टेब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या कर सकती है? न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज यानी नई लोग राज्य जो है शक्ति नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पासिंग ए मोशन टू 2/3 मेजोरिटी, तो 2/3 बहुमत से चाहे तो किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। वर्तमान में तीन ही अखिल भारतीय सेवाएं, कौन सी? आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, ठीक है। राज्यसभा चाहे तो इनके अलावा कोई भी जो है एक और अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है अपनी 2/3 मेजोरिटी से। तो ये दो पावर ऐसी हैं जो राज्य लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं, ठीक है। एक तो कौन सी? आर्टिकल 249 के तहत किसी भी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, अर्थात उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है।
और दूसरा आर्टिकल 312 है, इसके अलावा मैं अखिल किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके राज्यसभा कंप्लीट। ठीक है, पहले हमने इस फंक्शन ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा था, फिर हम लोकसभा की फंक्शन ऑफ पावर पढ़ी थी, और फिर हो गई आपके छठा जो है राज्यसभा की फंक्शन ऑफ पावर। इसके पावर्स को 6 भागों में बांटते हैं, स्पेशल पावर से ये 2 पावर्स केवल लोग राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं। ठीक है, तो इस तरह आपका आपका राज्यसभा का टॉपिक पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।